नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज आपको एक ऑप्शन के बारे में डिटेल जानकारी दी जाएगी जिसका नाम है पिवोट टेबल। कहीं पे पाइवोट टेबल कहा जाएगा, कहीं पे पिवोट, तो आप पाइवोट कर लीजिए, तो जो भी आपके लिए सुटेबल हो। तो यहाँ पे पाइवोट टेबल के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जो आपके एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है। जैसे कि आपको बता दें कि आप यदि एक्सेल का न्यू यूजर हो या आपके पास काम करने का किसी भी प्रकार का अनुभव हो, तो आपको पता होगा कि एक्सेल जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है, और इसकी यूज आप सीख लिए तो बहुत से काम ऐसे मिलेंगे आपको जो कम से कम समय में आप पूरी तैयार करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई भी सेल्स रिपोर्ट है और उस सेल्स रिपोर्ट का एक समरी तैयार करना चाहते हैं, एक ग्राफिकल व्यू तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा पाइवोट टेबल जो है हमको मदद करता है, और उसको तैयार करने में कम से कम समय लगते हैं और आसानी से तैयार होकर आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बता दें कि एक यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे एक डेटा है जो सेल्स रिपोर्ट का है। इसमें मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है जिसमें, और बहुत बड़ा सा डेटा हो सकता है आपके पास, तो जिसमें से क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, पाइवोट टेबल बनाना है। तो पाइवोट टेबल बनाने के लिए मुझे जिस डेटा का पाइवोट टेबल चाहिए उस डेटा के रेंज को मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्शन का तरीका क्या है, यहाँ पे कॉर्नर पे लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे पूरा रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होता है, पहले सेल पे सिलेक्शन करिए और कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके एक बार डाउन कर लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखे रहना और राइट एरो प्रेस कर लीजिएगा, टोटल डेटा आपका एक ही बार सिलेक्ट होकर आ जाता है। ये करने के बाद आप चले जाइएगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिवोट टेबल का, एक यहाँ पे मिलेगा आपको रिकमेंडेड पिवोट टेबल। ठीक है, तो रिकमेंडेड पहले देख लेते हैं। तो रिकमेंडेड में ये होता है कि पहले से कुछ टेबल बनाकर आपको दिखाई देगा यहाँ पे जिसकी नीड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है सम ऑफ सेल्स बाई स्टेट, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अनुसार मुझे सेलिंग रिपोर्ट मिल जाए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके करते ही आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो है रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये डेटा मेरा बनकर आ गया, ये पहले से बना हुआ है, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आ जाता हूँ यहीं पे, तो एक तरीका ये हो गया रिकमेंडेड वाला। तो रिकमेंडेड में बहुत सारी चीजें मिल रही थी जो मुझे यूज करना था, उसको मैं यूज कर लूंगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है पाइवोट टेबल का। पाइवोट टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहता है सिलेक्ट ए टेबल आर रेंज, यानी आप एक टेबल बना के रखे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, या तो आपका जो डेटा का रेंज है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये करने के बाद कहता है कि जो हम बनाएंगे रिपोर्ट हम तैयार करेंगे वो इसी सीट पे रहेगी कि किसी दूसरे सीट पे, आप कोशिश करिएगा हमेशा न्यूअर सीट का यूज करना ताकि पहले सीट पे आपका डेटा सेव पड़ा रहे और एक आपकी दूसरी सीट पे पिवोट टेबल जो है तैयार होकर आ जाए। तो न्यूअर सीट पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पिवोट टेबल का व्यूज आ चुका है। यहाँ पे पीवोट टेबल जो तैयार होगा उसका रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे मिल जाता है टेबल फील्ड। जब आप पीवोट टेबल का यूज करेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है पीवोट टेबल टूल्स, यहाँ पे एनालाइज है, फिर डिजाइन टैब है। यहाँ पे दो टैब हाईलाइट होते हैं, तो एनालाइज का अलग काम होता है, डिजाइन का अलग काम होता है। यहाँ पे देखिए पीवोट टेबल का फील्ड्स मिलेंगे, फील्ड में क्या चीजें रहेंगे, जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है उस डेटा के फर्स्ट रो में अलग अलग कॉलम में जो भी हमने टॉप पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम और अलग अलग कॉलम जो है, तो उसमें जो भी चीज रहेंगी वही मेरी क्या होती हैं, फील्ड्स होती हैं, जिसके आधार पे मैं डेटा को देखता हूँ। उसके आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया विलो, यहाँ पे देखिए चार प्रकार के बॉक्सेस बनाए गए, ठीक है।
यहाँ पे चार प्रकार के बॉक्सेस बनाए गए हैं, एक आपका है फिल्टर्स का, एक है कॉलम्स का, एक है रोज का, एक है वैल्यूज का। तो फिल्टर का काम क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके रखा गया रहता है। आप जिस डेटा को फिल्टर करके देखना चाहते हैं उसको मैं यहाँ पे मूव करूंगा, अगर जिसको कॉलम्स के अनुसार रखना चाहते हैं उसको कॉलम्स में रखूंगा, और जिसको रो के अनुसार रखना होगा उसको रो में रखूंगा, जिसको वैल्यू यानी जो वैल्यू के फॉर्मेट में होता है, जिसका ग्रैंड टोटल मुझे निकालना पड़ता है, जिसका मुझे सम करना होता है, उसको मुझे वैल्यू में ही मूव करना होता है। ठीक है, अभी आएगा कैसे, आने के लिए मुझे करना क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा जो आपके पास बड़ा सा रिपोर्ट है, आपके मालिक आए, आपने आपसे बोला गया कि किस डिपार्टमेंट का कितने का सेल हुआ है, बस यही मुझे रिपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक डिपार्टमेंट का है, एक यहाँ पे सेल्स का है। ये डिपार्टमेंट का कैसे आएगा यहाँ पे और सेल्स का, तो पहला तरीका ये है कि आप इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिएगा और इसको मूव कर दीजिएगा रो में, मतलब अलग अलग रो में चला जाए। ये अलग अलग रो में चला गया है। अगला आपका है वैल्यूज का, तो वैल्यूज में मैंने क्या किया, सेल्स को सेलेक्ट किया लेफ्ट बटन प्रेस करके और इसको मैंने मूव कर दिया। तो आप सर देख सकते हैं यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के डिपार्टमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एक गारमेंट्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सेल्स हुआ है कितना और गारमेंट्स का कितना हुआ है और आपका ग्रैंड टोटल कितना आया। तो एक ही बार में आपका पूरा कैलकुलेशन निकल कर आ चुका है, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आपसे ये बोल दिया जाता है कि मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, जैसे यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक का टोटल सेलिंग कितना हुआ है, तो आप अलग अलग जोड़ेंगे टाइम जाएगा, कुछ ना करिएगा, आप पिवोट टेबल का यूज कर लीजिएगा और यहाँ पे आप उसी डिपार्टमेंट को चूज कर लीजिएगा जिसका मैं देखना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे फिल्टर का एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, फिल्टर में आए, आपसे बोल दिया गया कि मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए ग्रैंड टोटल, इलेक्ट्रॉनिक का कितना सेलिंग हुआ है मुझे ये चाहिए, तो सेलेक्ट ऑल का चेक मार्क रिमूव कर देंगे। किस पे चेक मार्क लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, उसके बाद कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल रिपोर्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने के लिए मिल जाएगा, शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे मैंने ऑल कर दिया तो सभी के दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी में आपसे बोल दिया जाए कि मुझे ये भी देखना है कि कौन सेल्स वर्कर ने सेल किया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे मिल रहा है सेल्समैन, यहाँ पे मिल रहा है स्टेट, आपको स्टेट भी देखना है कि कहाँ पे सेलिंग हुई है, तो आप कुछ ना करिए इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करिए। आपके पास दो तरीका है, या तो इसको कॉलम्स में करिए, तो कॉलम्स में गए तो ये बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेल है ये बिहार में 1,51,000 रुपये का हुआ है, यूपी में क्या है 51 लाख, सॉरी 5,16,890 का हुआ, उसके बाद इसका दोनों का ग्रैंड टोटल निकल कर आ चुका। तो ये बिहार की सेलिंग की रिपोर्ट है, ये आपके उत्तर प्रदेश की है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आप इसमें ये भी इंक्लूड करना चाहते हैं कि सेल्समैन कौन है, आप इस पे लेफ्ट बटन प्रेस करिए। अगर इसको भी मैं कॉलम में कर दूं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका डेटा, इसलिए मैं कॉलम में नहीं करता हूँ। कहने का मतलब हम कार्य लिए जो चीज सूटेबल रहता है उसको उसी में करते हैं, या तो कॉलम्स में करेंगे या तो रो में करेंगे। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, हटाने का तरीका ये है कि या तो इसका चेक मार्क यहीं से हटा दीजिए तब भी हट जाएगा, अगर यहाँ से नहीं हटाते हैं तो लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ऊपर मूव कर दीजिएगा, वो आसानी से हट जाएगा। आप क्या करिए, सेल्समैन को देखना था, लेफ्ट बटन प्रेस करके आप डिपार्टमेंट के नीचे कर दीजिएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के जो भी सेल्स वर्कर हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, गारमेंट्स का दिख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि गारमेंट्स का कौन कौन कितना बेचा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन कितना बेचा है, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं जिसकी आपको नीड हो। मान लीजिए हम सबको हटा दे रहे हैं, एक बार सबका चेक मार्क आप हटा दीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब ये करने के बाद जो है मैं ये देखना चाहता हूँ कौन सा सेल्समैन कौन सा प्रोडक्ट बेचा है। ठीक है,
और किस स्टेट में बेचा, तो तीनों का चेक मार्क लगाकर हम चल दिए आगे। अगर हम चाहते हैं स्टेट, देखिए रो में आ रहा है, स्टेट रो में ना जाए तो कुछ ना करिए, इसका चेक मार्क हटाइएगा, लेफ्ट बटन प्रेस करके कॉलम्स में कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बिहार का मिलेगा, एक आपको उत्तर प्रदेश का मिलेगा, और फिर सेल्स को मूव कर दीजिएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपका डेटा तैयार होकर आ जाएगा। तो जिसकी मुझे नीड है उसी के अनुसार मुझे चलना है, जिसकी नीड है उसके अनुसार चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और चीज देखिए, फिर मैंने सबको रिमूव कर दिया, यहाँ पे इसको भी मैंने रिमूव किया, यहाँ भी। अब मान लीजिए किस डिपार्टमेंट में कैसा सेलिंग हुआ, कौन किया है, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद, या इसका चेक मार्क मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है, छोटा सा डिटेल पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, ये है। अगर हम चाहते हैं टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपोर्ट देखना, तो आप क्या करिए, इस पे डबल क्लिक करिएगा, और डबल क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सेल्स रिपोर्ट पूरी डिटेल्स के साथ ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर फिर बैक आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे आ गए, तो डबल क्लिक करके पूरा देख सकते हैं। फिर मान लीजिए सेल्समैन में मैंने आ गया, और फिर यहाँ पे जो है स्टेट को भी मैंने इंक्लूड करना चाहा, तो स्टेट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ये चीज हो गया। अब इस तरीके से मैंने डेटा बनाया। एक और चीज देखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए हम कहीं क्लिक कर देते हैं, ये जो फील्ड लिस्ट थी वो हट जाती है, अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये हुआ कि आपने गलती से यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दिया, और क्लोज पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जब इस पे क्लिक करेंगे तभी वो नहीं आएगा, इसकी आपको दिक्कत फेस करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि वो फिर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आउटसाइड में नहीं क्लिक करना, इस डेटा में कहीं क्लिक करिएगा जो रिपोर्ट मेरा बना हुआ है, उसके बाद एनालाइज पे जाइएगा। एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फील्ड लिस्ट का, इस पे आप क्लिक करिएगा, ये फिर से जो है हाईलाइट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पिवोट टेबल बना सकते हैं। अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं कि क्या चीज कैसे हो रहा है, क्या चीज कैसे नहीं हो रहा है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे डिजाइन टैब में। तो डिजाइन टैब से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे, तो डिजाइन में सबसे पहले गए तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन मिलते हैं, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लग रहा हो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ जाता है। एक ये हो गया। अब ये करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब टोटल की बात आती है, तो सब टोटल में देखिए हर एक जगह पर वैल्यू आपको दिख रहा है, तो आपने कह दिया डू नॉट सब टोटल, मैंने डू नॉट सब टोटल कह दिया, तो देखिए केवल किसके सामने सब टोटल दिख रहा है, जो सेलिंग किया होगा उसी के सामने दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन कौन सा पर्सन सेल किया है, कितना किया है, वही चीज आपको दिखा, उसका ग्रैंड टोटल नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और परिवर्तन करना है तो कर सकते हैं, लाइक्स मैंने सेल्स मैन को हटा दिया, यहाँ देखिए सेल्स मैन को मैंने हटाया, और इसकी जगह पर मैंने लेकर आ गया प्रोडक्ट को, ठीक है। अब प्रोडक्ट के सामने ये चीजें दिख रही है, अब फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे आ गए, अब यही चीज मैं फिर डिजाइन में गया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कह रहा है डू नॉट सब टोटल, फिर कह रहा है सो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, तो बॉटम ऑफ ग्रुप करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब टोटल आ जाएगा, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो अगर ऐसा रिपोर्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे आसानी से टोटल पता चल जाएगा। तो ये गारमेंट्स का हो गया, ये ग्रैंड हो गया, ग्रैंड का मतलब सबका जोड़कर बता दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है सो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ ग्रुप, टॉप ऑफ ग्रुप का मतलब ऊपर ही दिखा देगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसी के सामने। तो यहाँ से शायद आपको ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड टोटल का है ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑफ जो रहेगा वो सबको हटा देता है, बस बॉटम साइड दिखा देगा कि कैसे कितना क्या हुआ है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे गए तो ग्रैंड टोटल में, फिर ऑन फॉर ऑन कर देंगे तो फिर वो चीज आ जाएगा, जैसे आपकी सुविधा हो। ऑन फॉर और रो ओनली, तो रो ओनली करेंगे तो रो ओनली नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं आएगी, देख सकते हैं जो था उसको रिमूव कर दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद डिजाइन में आए, डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे आ गए
ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, तो पहले लगा था फिर हट गया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला चूज कर लेना है, ये कहाँ गया ये वाला, ठीक है। आसानी से आपका ग्रैंड टोटल निकल कर आ जाएगा, तो नीचे भी कैलकुलेशन हो जाएगा कि बिहार का कितना है, यूपी का कितना, और इस साइड भी ग्रैंड टोटल है, तो फाइनल ग्रैंड टोटल आपका दोनों मिलाकर ये है, यूपी का ये है, बिहार का ये है। तो ये समझ में आ गई बात, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद रिपोर्ट का लेआउट कैसा है, अगर कंपैक कर देंगे तो कंपैक करने के बाद देखिए ऑलरेडी ये कंपैक फॉर्मेट में ही दिया गया है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर आ जाते हैं यहीं पे, और यहाँ पे आने के बाद शो इन आउटलाइन फॉर्म, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए आउटलाइन फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स एक कॉलम्स में देखने के लिए मिल गया, प्रोडक्ट अलग में और अलग अलग चीज देखने के लिए आपको मिल जा रही है। सो इन टेबुलर फॉर्म, तो टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी डिटेल आ जाती है और यहाँ पे सब अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। एक चीज ये हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो रिपीट ऑल आइटम लेवल, तो रिपीट ऑल आइटम लेवल, तो यहाँ पे ये पता चलेगा सारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, यदि आपको नीड है तो करिए, नहीं तो नीड नहीं है तो ना करिए। तो अगर कह रहे हैं कि नहीं नो रिपीट, तो नो रिपीट को हटा दीजिएगा, ये खत्म होकर आ जाता है, ठीक है। फिर अगला चीज ये है, इतना समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो रो हेडर्स, अगर इसका चेक मार्क हटा दें तो देखिए जो बोल्ड थोड़ा सा दिख रहा है वो परिवर्तन हो जा रहा है, इसलिए बैंडेड रो कर रहे हैं तो हाईलाइट कर देगा, बैंडेड कॉलम कर देंगे तो कॉलम्स को भी हाईलाइट कर देता है, कॉलम्स हेडर कॉलम कॉलम हेडर, तो देखिए थोड़ा सा अलग डिफरेंट दिख रहा है, वो हट जाए तो हट जाएगा ये चीज। एक और चीज आपको बताना चाहते हैं, अगर ग्रैंड टोटल है मेरा और इस पे मैंने राइट बटन प्रेस किया, राइट बटन प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा और रिमूव सम सो, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यू एज। तो हम चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल जो है ना इसको परसेंटेज में देखा जाए, तो आप कहेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, यहाँ पे जाएंगे तो सारा ग्रैंड टोटल आपको किस में दिखने के लिए मिल गया, परसेंटेज में देखने के लिए मिल गया। तो इतना सारा डेटा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम स्टेट को कर दिए रिमूव, ठीक है। और किसको रिमूव किए, यहाँ पे डिपार्टमेंट को, मतलब सबको मैंने रिमूव कर दिया, कोई भी चीज नहीं बचा, ये मेरा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम किसको ले लिए, डिपार्टमेंट को ले लिए, ठीक है, और ये मैंने किसको ले लिया, यहाँ पे वैल्यू में सेल्स को ले लिया, ठीक है। अगर आपसे ये बोला जा रहा है यहाँ पे, हाँ इतना का ही ले ले सकते हैं, या इसको भी उठाकर चलते हैं तो इसको भी ले लिया मैंने। अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति कितने परसेंट की सेलिंग किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी है, तो आप राइट बटन प्रेस करिएगा, राइट बटन प्रेस करने के बाद शो एज वैल्यू आएगा, यहाँ पे कहेगा परसेंटेज में, तो ये बताएगा किसने कितना परसेंट सेलिंग किया हुआ है। अगर फिर आप चाहते हैं कि वैल्यू के फॉर्मेट में भी आ जाए, तो सेल्स पे लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको दोबारा मूव करिएगा, यहाँ पे देखिए सम ऑफ सेल्स का एक परसेंटेज भी दिख जाएगा कि कितना कितना परसेंट किसके द्वारा सेलिंग हुई है, और यहाँ पे ये दिख जाएगा वैल्यू में कि टोटल कितना रुपए का सेलिंग हुआ है। तो इस तरीके से आप पिवोट टेबल का जो है यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी जरूरत हो उसके अनुसार आप चल सकते हैं, ठीक है। एक ये ऑप्शन था, इसके आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें मिलेंगी, और भी चीजों में आपको कोई चीज और बता रहे हैं, जैसे एनालाइज में मैं गया, और एनालाइज में जाने के बाद जो है, ठीक है, एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्लाइसर का। इंसर्ट स्लाइसर का काम क्या होता है, जब हम इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट स्लाइसर एक स्लाइसर बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है तो जिसको मैं चूज करता हूँ वही दिखता है, तो स्लाइसर में मैं डिपार्टमेंट को ले लिया और मैंने सेल्स को ले लिया और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए वो हट जाता है और मेरे पास आ जाता है स्लाइसर, ठीक है। अब स्लाइसर की साइज यहाँ से कारण से आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी है, और ये सेल्स का है, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ से कारण से छोटा करना चाहा। अब ये करने के बाद जानते हैं क्या करना है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर दूं, ये टोटल चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का हाईलाइट करके दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं गारमेंट्स पे क्लिक कर दूं तो गारमेंट्स का दिखा रहा है,
अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका बदलना है तो आप इस पे जाइएगा, सब बदल जाएगा। फिर इस पे आइएगा तो ये सबका देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से मैं स्लाइसर जनरेट कर सकता हूँ, तो स्लाइसर से मेरा पता चल जाता है कि मुझे किसकी नीड है, किस तरीके से चलना है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। फिर यहीं पे एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और डिजाइन सॉरी एनालाइज में पाइवोट चार्ट का। पाइवोट चार्ट में क्या होता है, आप जब पाइवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है उसको चार्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि वो चीज आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो जो भी आपके लिए सूटेबल रहेगा उस चार्ट को आप यूज कर सकते हैं, और उसी के अनुसार आपका डेटा जो है हाईलाइट होकर देखने के लिए मिल जाएगा। ये सम ऑफ सेल्स पहला वाला है, ये सम ऑफ सेल्स वैल्यू वाला है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो जिसके अनुसार आप देखना चाहते हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्स मैन है, अगर यहाँ पे सबका चेक मार्क है तो सबका दिख रहा है। अगर एक का मैंने चेक मार्क लगा दिया, लाइक्स मैंने अभिषेक पे चेक मार्क लगा कुकी कर दिया, तो मात्र केवल अभिषेक का डिटेल हाईलाइट होगा और किसी का हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ पता चलेगा कि किसका मैंने हाईलाइट किया। मान लीजिए दो तीन लोगों का हाईलाइट करना है, मतलब जिसका रिपोर्ट मुझे बनाने के लिए बोल दिया गया उसी का मैं बनाऊंगा और किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज आपके एक्सेल में पिवोट टेबल का बहुत ही बेसिक नॉलेज दिया गया है आपके पिवोट टेबल ऑप्शन के बारे में। यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।